लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की कुछ फॉर्मूले सीखे थे। उन्हीं फॉर्मूले में एफएक्स के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती है, यदि किसी क्वेश्चन में एक्स की जगह यदि एफएक्स आ जाए, इट मीन देखो जो भी हमने लास्ट क्लास में एक्स के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंशिएट के फॉर्मूले हमने सीखे थे उसको एफएक्स की फॉर्म में यदि आ जाए तो उसको कैसे करते। एफएक्स मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, हमारे कहने का मीनिंग क्या है आप देखिए अपने आप समझ में आएगा। जैसे लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस, यही फॉर्मूला सीखा था कि जब भी एक्स टू दी पावर एन टाइप की किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर को आगे हो पावर में से वन माइनस, ठीक है ना। यहां पर पावर एन किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर, और जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे एफएक्स वाली कंडीशन, लास्ट क्लास में जितने भी डिफरेंशिएट वाले हमने फॉर्मूले सीखे थे उन सभी में एक्स की जगह यदि एफएक्स आ जाए, एफएक्स का मतलब एक्स की जगह अदर फंक्शन आ जाए, तब डिफरेंशिएट कैसे है। जैसे यहां पर पावर एन एक्स के ऊपर है, अब यहां पर एक्स ना होकर और कोई एक्स की फॉर्म में फंक्शन है तो उसे एफएक्स के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करें। जैसे डीवाई डी एक्स एफएक्स का होल पावर एन, अभी इसमें पावर किसके ऊपर था, एक्स के ऊपर, अब पावर किसके ऊपर, एफएक्स, एफएक्स का मतलब एक्स नहीं, एक्स की फॉर्म में और कोई फंक्शन, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना, ई टू दी पावर एक्स के साथ। अच्छा, एफएक्स का होल पावर एन, एक्स का पावर एन का एन, एक्स का पावर एन माइनस वन, एफएक्स का पावर एन का यही पावर को आगे और पावर में से वन माइनस, बट अभी कंप्लीट नहीं इनटू। अब यहां पर एक्स की जगह एफएक्स था ना, जब भी लास्ट क्लास में जितने भी डिफरेंशिएट के फॉर्मूले हैं सभी में एक्स की जगह यदि एफएक्स आ जाता है तो जो एक्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं वही एफएक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, बट लास्ट में जिसको भी हमने एफएक्स कंसिडर किया था उसका डीवाई डीएक्स एफएक्स करते हैं, मतलब जिसको एफएक्स कंसिडर करके हमने फॉर्मूला अप्लाई किया उसका डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल थे, हमने लिख दिया डीवाई डी एक्स एक्स का पावर फाइव, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, एक्स का पावर एन, यहां पर पावर एक्स के ऊपर है तो एक्स टू दी पावर एन के अकॉर्डिंग, तो पावर को आगे और पावर में से वन माइनस, तो क्या आ जाएगा फाइव एक्स टू दी पावर फोर, समझ में आ गया। अच्छा आगे देखिए dy dx, अब लिख दिया हमने साइन x का होल पावर थ्री, यहां पर जो पावर है वो किसके ऊपर है, साइन x के ऊपर, मतलब साइन x यहां क्या है fx, क्योंकि हमने क्या बताया था जब x टू दी पावर n पावर यदि x पर ना होकर अदर फंक्शन के ऊपर हो तो उसे fx के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो यहां पर जो साइन x है वो fx है, साइन एक्स क्या है एफएक्स, ठीक है, तो यहां पर एफएक्स का पावर एन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पावर थ्री है यदि वो एक्स के ऊपर होता तो ये फॉर्मूला, बट पावर थ्री एक्स के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, अदर फंक्शन के ऊपर एक्स की फॉर्म में, ठीक है ना, तो उसे एफएक्स कंसीडर कर लेंगे, यहां पर एफएक्स का मतलब एक्स नहीं और कुछ, बस इतना याद है, तो एक्स की फॉर्म में और फंक्शन, तो यहां एफएक्स का पावर एन मतलब पावर आगे और पावर में से वन माइनस, फिर डीवाई डी एक्स एफएक्स, एफएक्स क्या है इसमें, एफएक्स मीन्स साइन एक्स, तो इधर आ जाएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री साइन एक्स का होल पावर टू इंटू, अब डीवाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स कितना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएट हमने सीखा था तो साइन एक्स का होता है, तो ये आ गया थ्री साइन स्क्वायर, ये पावर टू है वो अंदर जाएगा एक्स, समझ में आ गया ना। और भी देखिए इसके फॉर्मूले, जितने भी हमने लास्ट क्लास में एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट के फॉर्मूले सीखे थे वही सारे एफएक्स के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं चेन रूल, ठीक है ना। सेकंड वाला, हमने लास्ट क्लास में सीखा था डीवाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, तो इसका क्या होगा,
ई टू दी पावर एक्स। अब बट एक्स कहां है यहां, पावर में। अब एक्स को एफ एक्स कर देंगे तब डिफरेंशिएट क्या होगा, तो इधर भी एफ एक्स कर दो। आपको इतना याद रखना जो एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होता है वही एफ एक्स के अकॉर्डिंग होता है, बट इनटू में जो एफ एक्स कंसिडर करते हो उसका डीवाई डी एक्स हमें लेना पड़ता है सामने, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने डीवाई डी एक्स ई टू दी पावर टेन एक्स। अब यहां पर ई का पावर क्या है, एक्स है कि एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब एक्स नहीं, बस इतना याद रखना। एफ एक्स का मतलब यहां एक्स नहीं लेंगे, एक्स कंसिडर हुए, एफ एक्स का मतलब एक्स की फॉर्म में दूसरा फंक्शन। तो यहां पर जो पावर है वो एक्स नहीं है क्या, एफ एक्स। तो ई टू दी पावर एफ एक्स का ई टू दी पावर एफ एक्स, तो ई टू दी पावर टेन एक्स। और फिर डीवाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का। तो यहां पर एफ एक्स क्या है, टेन एक्स। तो इस तरीके से आप किया करो, जिसको एफ एक्स लिया उसमें सर्कल बना के एफ एक्स, तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, e टू दी पावर टेन एक्स जो आगे है वो आगे रहेगा। और टेन एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ, टेन एक्स का डी अपॉन डी एक्स सेल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, इस तरीके से हम करते हैं। आगे देखिए, डीवाई डी एक्स लॉग एक्स का भी हमने सीखा था, लॉग एक्स टू बेस ई, तो क्या सीखा था, वन बाई एक्स, ठीक है। अब यहां पर एक्स कहां है, इधर है। अब इधर एक्स की जगह एफ एक्स हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग टू बेस ई एफ एक्स। तो इसके डिफ्रेंशिएट में भी एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, बट इंटू एफ एक्स का डी अपॉन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल समझो, तो dy dx, अब हमने यहां लिख दिया log टू बेस e sin x, तो यहां पर log के साथ sin x है, मतलब x नहीं है क्या, fx। तो log sin x का डिफ्रेंशिएट वन बाई, यहां पर जो sin x है वो fx है, ठीक है। तो log fx का वन अपॉन fx, और dy dx fx, fx means sin x। जब भी किसी क्वेश्चन को आप fx कंसीडर करके डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहां पर उस फंक्शन में सर्किल करके उसे fx डिनोट कर दिया करो, जैसे हम करते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका fx क्या है, तो 1 by sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएट cos x, तो क्या आ जाएगा, ये cos x अपॉन sin x, तो क्या हो जाएगा, cot x। समझ में आ गया। आगे देखिए, लास्ट क्लास के जितने भी डिफरेंशिएट के फॉर्मूले हैं वो सारे याद करना है, यदि आप याद नहीं करोगे तो इसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितने भी लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में जो भी सिखाते हैं तो लास्ट लेक्चर की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, dy dx a टू दी पावर x का, तो a टू दी पावर x log a टू बेस e, तो dy dx a टू दी पावर fx का, तो a टू दी पावर fx और log a टू बेस e और fx का d अपॉन। समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल देख लो, हमने लिख दिया dy dx 5 का पावर x क्यूब, x क्यूब आपका x नहीं है, fx है, x का मतलब ओनली x, और fx का मतलब x का पावर 3, 5, 7 ये सब हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर 5 का पावर, 5 मतलब a, a का मतलब कुछ भी हो सकता है, ई नहीं, तो 5 का पावर एक्स क्यूब मतलब यहां पर 5 ए है, और एक्स क्यूब क्या है, एक्स है कि एफ एक्स है, केवल एक्स एक्स कहलाएगा, उसके अलावा सारा एफ एक्स। तो यहां पर एक्स क्यूब आपका एफ एक्स होगा, क्या होगा, एफ एक्स।
तो 5 टू दी पावर एफ एक्स का, तो 5 टू दी पावर एफ एक्स और लॉग टू बेस ई 5, जो एफ एक्स हमने लिया था उसका डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब तो इधर आएगा 5 टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू लॉग 5 टू बेस ई। अब यहां पर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट मतलब एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को आगे पावर में से 1 माइनस, तो इधर आएगा 3 एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 का पावर एक्स क्यूब इंटू लॉग 5 टू बेस ई इंटू 3 एक्स स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में जितने भी फॉर्मूले एक्स के अकॉर्डिंग हैं वो सारे एफ एक्स के अकॉर्डिंग एक साथ अब लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक वाले देख लो, जैसे हमने लिखा डीवाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स होता है, बट यहां पर जो एक्स है वो एंगल है, अब एंगल यदि एक्स ना होकर और कुछ हो तब कैसे करेंगे, डीवाई डी एक्स यहां पर लिख दिया साइन एफ एक्स, तो एंगल हमने एफ एक्स कर दिया तो इधर भी कॉस एफ एक्स हो जाएगा और डीवाई डी एक्स एफ एक्स। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल सभी के देखते रहो, डीवाई डी एक्स साइन एफ एक्स कुछ भी ले लो, हमने यहां पर एंगल ले लिया लॉग एक्स, तो यहां पर जो एंगल है वो साइन के साथ एक्स और साइन के साथ एफ एक्स, तो यहां पर साइन के साथ जो एंगल है वो एक्स है कि एक्स नहीं है, एक्स नहीं है मतलब वो एफ एक्स है, ठीक है, तो साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एफ एक्स और डीवाई डी एक्स लॉग एक्स टू बेस ई, तो इधर आएगा कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स टू बेस ई, और यहां पर लॉग एक्स का डी अपॉन डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स का डी अपॉन डी एक्स लास्ट क्लास में सीखा था 1/x, ठीक है। और भी देखिए, अब ऐसे ही सब कर देते हैं, ठीक है, डीवाई डी एक्स कॉस एक्स, यहां पर एंगल एक्स है तो कॉस एक्स का माइनस साइन, तो डीवाई डी एक्स कॉस एफ एक्स का क्या होगा माइनस साइन एफ एक्स और एंगल यहां पर एक्स नहीं एफ एक्स, तो डीवाई डी एक्स एफ एक्स। सेकेंड वाला डीवाई डी एक्स टेन एक्स का क्या सीखा था डिफरेंशिएट लास्ट क्लास में सेक स्क्वायर एक्स, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एक्स की जगह जो एंगल वो एफ एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि एंगल एक्स ना होकर और कुछ है तो इट मींस वो एफ एक्स है, तो टेन एफ एक्स का सेक स्क्वायर एफ एक्स और डीवाई डी एक्स, समझ में आ गया ना। और भी देखिए डीवाई डी एक्स sec x का क्या होगा sec x इंटू टेन एक्स, अब यहां पर cot वाले लिख लो, पहले cot छूट गया, cot x का क्या बताया था डिफरेंस है लास्ट क्लास में माइनस cosec स्क्वायर x, अब यहां पर x की जगह fx मतलब एंगल को हमने fx कर दिया, तो cot fx क्या होगा, ध्यान रखना यदि एंगल एक्स ना होकर और कुछ भी लिखा वो एफ एक्स होगा, ठीक है, तो कॉट एफ एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एफ एक्स और डीवाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। और भी देखिए फॉर्मूले, अभी बचा है सेक और कॉसेक वाला, वो देख लेते हैं, तो आपको एफ एक्स के अकॉर्डिंग कंडीशन समझ में आ गई ना, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने अभी देखे थे, तो डीवाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
अब यहां पर x की जगह एफ एक्स, तो dy dx sec एफ एक्स, तो क्या होगा sec एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स और dy dx एफ एक्स, ठीक है dy dx cosec x क्या होगा माइनस cosec x इंटू cot x, अब x की जगह एफ एक्स, तो dy dx cosec एफ एक्स, तो क्या आएगा इसका माइनस cosec एफ एक्स इंटू cot एफ एक्स और dy dx समझ में आ गया इस तरीके से, एक बार देख लीजिए इसको। तो आप लोगों को आज के लेक्चर में कौन सी कंडीशन हमने सीखी है, जब किसी भी डिफरेंशिएट में लास्ट क्लास में एक्स के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे थे उन सभी में एक्स की जगह यदि एफ एक्स टाइप का फॉर्मेट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हमने उसके बारे में सीखा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक दो एग्जांपल भी सीखे थे, और जो साइन कॉट टेन कॉट सेट कॉसेक वाला है उसमें एंगल यदि एक्स ना होकर और कुछ है तो वो एफ एक्स के अकॉर्डिंग हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब इसके जो भी क्वेश्चन है इसके बेसिस पर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, यदि आप लोगों से फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन बन रहे हैं बुक से तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करें।